बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जुल्फकार अली आज की वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। तो आज हम बनाएंगे चिकन मेथी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, चले देखते हैं ये कैसे बनती है और इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। चिकन में मेथी है, ये काट लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चूल्हे में आग जल गई है। चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रखेंगे। बिस्मिल्लाह, कढ़ाई में ये 150 ग्राम घी है, ये डालेंगे। घी गर्म हो गया है, इसमें ये 2 अदद दरमियाने साइज के प्याज हैं कटे हुए, ये डालेंगे। ताकि एक साइड से जल ना जाए, बराबर ब्राउन हो। प्याज ब्राउन होने के करीब है, ये मेथी है, इसको प्याज में डालेंगे और इसको भी थोड़ा घी में भूनेंगे। तो मेथी भी जो है थोड़ा उसका कलर जो है ग्रीन वो कम हो गया है। अभी हम इसमें ये लहसुन अदरक पेस्ट है 1 टेबल स्पून चावलों वाला कुटा हुआ, ये डालेंगे और इसको भी भुनेंगे। तो ये 1 अदद टमाटर है कटा हुआ, ये भी इसमें डालते हैं। ये 3 अदद सफ़ेद मिर्च है कटी हुई, ये भी डालते हैं। तो ये 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर है, ये भी डालते हैं। ये 1 टीस्पून ही नमक है, ये भी इसमें डालते हैं। तो ये 1/2 टीस्पून हल्दी है, ये भी इसमें डालते हैं। तो सारी चीज़ें जो हैं वो हल्की हल्की ब्राउन हो गई हैं। अभी इनमें पानी का छिटका लगाएंगे। और इन्हें खूब भूनेंगे। तो ये थोड़ा सा गरम मसाला है, ये भी इसमें डालते हैं, ये 1/4 टीस्पून का। ये 1 किलो चिकन है, ये भी इसमें डालते हैं। और इसे भूनते हैं। इसे ऐसे ही भूनेंगे ताकि चिकन भी थोड़ी ब्राउन हो जाए। बहुत ही अच्छी तरह इसको भून रहा हूँ मैं, तो ये जो है मिक्स हो जाएगी। चिकन में भी काफ़ी पानी होता है, पकते पकते चिकन गल जाएगी।
तो ये चिकन मेथी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। इसको मैंने पानी तक भी नहीं लगाया, तो इसको अभी हम दम देंगे जैसे कि पुलाव के देते हैं, 10 मिनट के लिए ऊपर ढकना दे देंगे। तो 10 मिनट के लिए इसको दम देंगे जैसे कि पुलाव को देते हैं। तो ये चिकन मेथी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। अभी हम इसको नीचे उतारेंगे। तो आपको हमारी ये चिकन मेथी वाली रेसिपी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज व अमान में रखे, तमाम बीमारियों परेशानियों से बचाए। दुआओं में याद रखिएगा। ज़ुल्फ़िकार अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।